अधिशासी अधिकारी एवं सभासदों में ठनी। पालिका के विकास के दावों की खुली पोल। सभासदों का कहना है कि सड़कें और पुलिये तक नहीं बनी है और न ही पालिका उनका निर्माण करवा रही है। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपल्स वॉइस। बदायूं के कस्बा सहसवान नगर पालिका प्रशासन और वार्ड सभासदों के बीच तनातनी चल रही है, जिसको लेकर कई सभासदों ने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा है और अधिशासी अधिकारी के कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाकर जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है और मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिला बदायूं के कस्बा सहसवान में तहसील प्रशासन एसडीएम और अधिवक्ता विवाद अभी सुलझ भी नहीं पाया, तब तक एक दूसरा विवाद उठ खड़ा हुआ है। मामला बदायूं के सहसवान नगर पालिका का है, जहां कई सभासदों ने अधिशासी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा पर धन के घोटाले एवं विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी विकास कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। वार्डों में सड़कें व पुलिये टूटी पड़ी हुई हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी उनका निर्माण नहीं करा रहे, जबकि निकाय चुनाव सर पर है। सभासदों ने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी दीपा रंजन को दिया है, जिसमें उनसे हस्तक्षेप की मांग की है और हस्तक्षेप न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने जब अधिशासी अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका में जितना धन उपलब्ध होता है उसी के आधार पर विकास कार्य कराए जाते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दो दिन में किसी भी स्थान का विकास संभव नहीं है। एक ही बार में सभी वार्डों में विकास कार्य कराया जाना संभव नहीं है। निकाय चुनाव सर पर है, इसलिए सभासद अपने अपने वार्ड में विकास कार्य कराना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव ही नहीं है। जितना धन होगा उतना ही कार्य हो सकता है, फिर भी जितने विकास कार्य हम करा सकते हैं या शासन के निर्देशों का जो पालन हमें करना चाहिए वह हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई हमारी कार्यशैली से प्रसन्न नहीं था तो एक बार उन्हें बताना चाहिए था। मैं तो इस पूरे मामले से अनभिज्ञ और आश्चर्यचकित हूँ कि अचानक सभासदों को मुझ में इतनी कमी कैसे नजर आने लगी है, जबकि मेरे सबसे मधुर संबंध है। जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले की जांच की तो यह पता लगा कि अधिशासी अधिकारी सहसवान नगर पालिका की छवि एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी की है। रविवार अवकाश के दिन भी वह कार्य करते हैं और लगातार सहसवान के हित में विकास कार्य कर रहे हैं। जनता भी उनसे प्रसन्न दिखाई दी। वहीं जब हमने नगर पालिका के दो कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना है कि अधिशासी अधिकारी बेहद ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। पालिका की जिम्मेदारियों के चलते अपने परिवार तक से अधिक मिल नहीं पाते और सुबह 10 बजे से लेकर शाम अंधेरा होने तक कार्य करते रहते हैं और निरंतर नगर के विकास के कार्यों में लगे रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब तथ्यों की जांच के लिए हमने जनता में कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने नाम न छापने और बिना कैमरे पर आए बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान बेहद ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है। कुछ दिन पूर्व जब जनता पार्किंग को लेकर परेशान थी और मोटे मोटे चलान काटे जा रहे थे, उस समय पार्किंग को लेकर भी अधिशासी अधिकारी ने बहुत कोशिश की थी, जबकि मौजूदा अध्यक्ष निकलकर भी नहीं आए। और सराय की विवादित भूमि से लेकर रोडवेज बस स्टैंड की खाली पड़ी भूमि तक पर सफाई करवाकर पार्किंग की व्यवस्था करने की कोशिश की थी और स्वयं जाकर सफाई कराई थी, किंतु कुछ कारणों से वो हो तो नहीं सका, लेकिन अधिशासी अधिकारी ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। जब से अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार वर्मा सहसवान नगर पालिका में आए हैं, उनसे जब भी कोई शिकायत की जाती है उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है और शिकायत का निस्तारण किया जाता है, जबकि मौजूदा अध्यक्ष तो कभी नगर पालिका आते ही नहीं है। जनता ऐसे ही कर्मठ व्यक्ति को नगर में चाहती है और इस प्रकार की राजनीति की निंदा करती है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न भी किया कि सभासदों को 4.5 साल टूटी सड़कें और पुलिये क्यों नहीं दिखाई देती, चुनाव के समय ही क्यों याद आती है, और शिकायत करने वालों में अधिकतर सभासद मौजूदा चेयरमैन के करीबी हैं। यही लोग विकास के बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते और मौजूदा अध्यक्ष के कसीदे पढ़ते रहते हैं।
जब इनके वार्ड की सड़कें और पुलिये तक नहीं बनी तो कैसा विकास किया गया है और कैसा स्मार्ट सिटी बनाया गया है। चेयरमैन के विकास के दावों की पोल तो उनके करीबी सभासदों ने ही ये बताकर खोल दी है कि यहाँ पुलिये तक नहीं बनी है। हमारे साथ इस वक्त अधिशासी अधिकारी सहसवान हैं और एक प्रकरण हुआ है नगर पालिका परिषद सहसवान के कुछ माननीय सभासदों ने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें अधिशासी अधिकारी सहसवान पर आरोप लगाएं कि वो सम्मान नहीं करते, विकास कार्यों में रोक लगा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग सहसवान नगर पालिका हैं और अधिशासी अधिकारी महोदय से ये जानना चाहते हैं कि ये सारा क्या मामला है, सारा क्या प्रकरण है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या मामला, क्या प्रकरण है, सभासद जो नाराज़ हैं, क्या हुआ है, ये सारा बताएंगे कि जी? ये तो पत्र के माध्यम से हमें भी जानकारी हुई है, दो तीन आरोप लगाए गए हैं, सम्मान नहीं करते। हमारे लिए तो सभी सभासद सम्मानित हैं, सबका सम्मान भी किया जाता है। रही बात विकास कार्यों की, तो बोर्ड बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं धन की उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराए जाते हैं। किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है, ना ही हमसे कोई, हमारी किसी से शिकायत है। सम्मान तो सबका किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर ये नाराजगी की वजह क्या है, ये नाराजगी कहाँ से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। किसी भी प्रकरण के पीछे कोई तो एक घटना होती है जहाँ से वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। क्या ऐसा हुआ था जो इस तरह की नाराजगी सामने आई है? नहीं, सभासद महोदय लोगों का कहना कुछ सड़कों वड़कों को लेकर के है, लेकिन धन की उपलब्धता के आधार पर ही सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है। बोर्ड बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराए जाते हैं, कुछ कार्य रह जाते हैं उसको अगले चरण में लिया जाएगा। अच्छा, सारा प्रकरण ये है कि कुछ सड़कों को लेकर धन की उपलब्धता नहीं है तो इस आधार पर कुछ कार्य रुके हुए हैं इस वक्त जी। अच्छा, तो मेंबरों की मांग ये है कि वो कार्य पहले पूर्ण कराए जाए। अभी ऐसा भी है, देखिए अधिशासी अधिकारी महोदय की निकाय चुनाव सर पर हैं और जिस तरह की चर्चा चल रही है कि नवंबर में नहीं तो फिर दिसंबर जनवरी में जाकर तो जल्दी निकाय चुनाव हो जाएंगे, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं सभासद भी ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में विकास हो, जिस विकास के नाम पर वो वोट मांग सकें, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल मांगे उनके सही हैं, कार्य कराया जाएगा, जो भी विकास कार्य हैं वो कराए जाएंगे। नगरवासियों किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सबकी समस्या के लिए हम लोग प्रत्येक दिन रात तत्पर हैं उनकी सेवा में और सबका सम्मान भी किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी को असुविधा होगी हमारी तरफ से। यहाँ हमने लोगों से भी बात की है, जनता से जो हमारा फीडबैक है, तो जनता भी कहीं ना कहीं आपकी कार्यप्रणाली से खुश है और लोग भी ये समझते हैं कि भाई इस बार जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान है वो जनहित की भी बात करते हैं, कोशिश भी करते हैं और वो एफर्ट देखे भी हैं लोगों ने। तो ये चिराग तले अंधेरा वाली बात कैसे हो गई कि बाहर लोग खुश हैं और नगर पालिका के सभासद जो हैं वो नाराज़ हैं, ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। इसके बारे में बताइए आप कि आखिर क्या है और खुलकर बताइए। देखिए, मीडिया के माध्यम से आपका मैसेज भी पहुंचे और हम तो ये चाहेंगे कि जो भी विकास कार्य सहसवान के हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें, तो इसके बारे में आप बताइए क्या है पूरा मामला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा मामला हमें भी संज्ञान में नहीं है कि क्या है। अब इन लोगों से बात करने के उपरांत ही जान मिलेगा पूरा प्रकरण क्या है। अभी आपको भी इस बात का पता ही नहीं है जी? अच्छा, तो सभासदों को क्या, अब क्या क्या चल रहा है, इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अधिशासी अधिकारी पोस्ट होती है एक नगर पालिका में, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष की भी एक भूमिका रहती है सब चीज़ों में, सारे क्रियाकलापों में। तो क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने इस बारे में कुछ संज्ञान लिया कि उन्होंने कोई कोशिश की हो कि इस तरह की चीज़ें ना क्रिएट हों? नहीं, इसके बारे में हमने उनको अवगत करा दिया, अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया गया। देखिए, पालिका में जो भी विकास कार्य होते हैं वो पालिका अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं कि क्या कार्य कराए जाएंगे, क्या विकास कार्य कराए जाएंगे। उसके बाद धन की उपलब्धता को भी हम देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना उपलब्ध है, उस बजट की उपलब्धता के आधार पर हम कार्य विकास कार्य कराते हैं। अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, नज़दीक हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में भी ये मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है कि नगर पालिका के अंदर ही झगड़ा शुरू हो जाए।
तो इसके बारे में हमारी तो ये भी, हम तो अध्यक्ष जी से भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस तरह का प्रकरण आ रहा है तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की इसमें छवि भी धूमिल होती है, तो आप लोगों से आप लोग मिलकर इसके प्रयास करें, और आप लोग इसका क्या प्रयास कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष? झगड़े की कोई बात नहीं, जो भी काम है वो काम कराए जाएंगे, विकास कराए जाएंगे, तत्परता से जनता की शिकायतों का भी संज्ञान लिया जाता है, निरंतर उनके साथ काम भी किया जाता है, जो भी विकास कार्य हैं वो भी कराए जाएंगे, जो रह गए हैं वो भी पूरे कराए जाएंगे, बहुत कार्य हमारे चल भी रहे हैं, आगे और विकास कार्य हम लोग कराएंगे, नाली खड़ंजा या जो टूटे हुए उनका भी निराकरण किया जाएगा, निस्तारण, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी खबरें व ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। चैनल की बेहतरी के लिए आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें कि हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं।